नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आखिर आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, जो कि संस्थापक है वैदिक घनाथ के। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो पंडित जी, क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? जी, INH के दर्शकों को सुबह की राम राम। आप सबका दिन बहुत शुभ और मंगलमय हो। आज 9 जुलाई 2024 है, दिन मंगलवार है। आज का जो नक्षत्र है वो है आश्लेषा, और आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, और आज का राहु काल है 3:50 से 5:40 तक। जी, तो बिल्कुल, तो ये है आज का पंचांग जिसके बारे में पंडित जी ने हमें बताया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आते हैं आज के विषय के बारे में। तो हम आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है सूर्य का लग्न से चतुर्थ भाव तक का सामान्य फल। तो इस विषय पर हम पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे कि सूर्य का लग्न से चतुर्थी भाव तक का सामान्य फल आखिर क्या है, क्या कुछ इन सब में होता है। तो सबसे पहले पंडित जी आपके से जान लेते हैं सूर्य के बारे में। दरअसल 12 भाव होते हैं, सभी को पता है 12 राशियों के 12 घर होते हैं, और पहला जो घर होता है वो मेष राशि का होता है और उसके स्वामी मंगल है। अब इन 12 घरों में से 4 जो शुरू लग्न यानी पहले घर से लेके चौथे घर में सूर्य है तो क्या फल होगा, यानी यदि पहले घर में सूर्य है तो ये कारक भी होते हैं यहाँ, और मंगल का घर है। सूर्य यहाँ पर जब होते हैं तो व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठित एक ऑरा देते हैं, व्यक्ति एक अच्छे राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है और साथ में उच्च पद पर भी होता है। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो सूर्य जब व्यक्ति को बहुत कुछ देता है तो अभिमानी बना देता है, यानी पहले घर का सूर्य, पहले भाव का सूर्य, जिन जातकों की कुंडली में पहले घर में सूर्य है ऐसे लोग एटीट्यूड के साथ में उच्च पद में रहते हैं और सफलता पाते हैं। अब इसमें अगर वो चाहें कि हम कुछ सुधार करें तो अगर वो अपने पद का अहंकार ना करें, अपने जो भी चीज उन्होंने पाया है तो उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो छवि है वो और कई गुना शुभ फल उनको देगी, क्योंकि लोगों की उनसे ब्लेसिंग और दुआएं भी जुड़ी होती हैं। जी जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 12 अलग अलग भाव होते हैं ग्रहों के हिसाब से और राशि के हिसाब से। तो पहले भाव का आपने बताया कि सूर्य अगर पहले भाव में होता है तो क्या कुछ होता है, वैसे ही अगर दूसरे भाव में सूर्य होता है तो उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है फिर? दूसरा घर है शुक्र का यानी वृष राशि का, और शुक्र सूर्य यद्यपि मित्र नहीं है, इसके बाद भी चूंकि वो कोष का है, धन का है, तिजोरी का स्थान है, और इसकी रूलिंग करते हैं एक्चुअली सूर्य, सॉरी क्षमा करें शुक्र, लेकिन अब सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो वाणी को भी यहाँ से हम देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बोलने में संकोच नहीं करता है, वो शुगर कोटिंग करके यानी मीठी बातें, बनावटी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। जिनकी कुंडली में दूसरे स्थान में सूर्य होगा वो व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। साथ में ये परिवार बंधु बांधव का भी स्थान है, ऐसे में जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य है उसको सहजता से व्यक्ति प्रेडिक्ट कर लेगा ज्योतिष में कि ये व्यक्ति बहुत संपन्न घर में जन्म लिया है, या फिर इसके जन्म लेने के बाद 100% संपन्नता आएगी, यानी सूर्य ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक का जन्म बहुत संपन्न घर में हुआ और वो भी काफी अच्छा राजनीतिक पद प्रतिष्ठा या नेम फेम वाला फल प्राप्त करने वाला होता है। जी
जी, तो ये हो गया दूसरे भाव की बात भी ये हो गई। और इसी बीच हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि हम लगातार जो है टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप पंडित जी से परामर्श करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान लेना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर कॉल कर आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे द्वारा फ्लैश किया जा रहा है। तो पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं हम तृतीय भाव में, तृतीय ग्रह में कौन सा है वो तीसरा ग्रह, और उसमें अगर सूर्य का क्या प्रभाव रहता है? जी, तीसरा घर है बुध का। बुध एक बहुत कोऑपरेटिव ग्रह है और बहुत सूर्य के करीब रहने वाला ग्रह है, और यहाँ से हम पराक्रम को देखते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है। सूर्य इस घर में आने के बाद में ज्यादातर वह अंतर्मुखी होता है, और ज्यादातर ऐसा व्यक्ति ये प्रयास करता है कि उसको एक सूर्य जिसके तीसरे घर में होगा वो उसको तभी काम करेगा जहां उसको पूरा फल मिलने की संभावना है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ ऐसा काम के लिए लालच में, लोभ में नहीं पड़ता है, और वह ये प्रयास करता है कि यदि मैंने मेहनत किया है तो वो फल मिले। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य तीसरे स्थान में है वह अपना हक छीन के ले लेता है। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी का हक मार लेते हैं, दबा लेते हैं, यदि सूर्य उसके घर में है तो उसका हक कोई पचा नहीं पाएगा। तो ये इस चीज का सूर्य बहुत गारंटी देता है, और साथ में व्यक्ति को वो सौम्यता भी देता है कि हम तभी अपना पावर दिखाएंगे जब समय आएगा। जी जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन इसी बीच में आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य को हमेशा से तेज वाला या प्रताप वाला बोलते, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी होता होगा। दुष्प्रभाव है कि अगर वह व्यक्ति मिसयूज करे, देखिए यहाँ तीसरे घर में वो अपने मित्र के घर में है, बुध के साथ में काफी अंडरस्टैंडिंग रहती है, और चूंकि सभी ग्रहों के मालिक है सूर्य, तो सूर्य की जो आभा है, उनकी जो छटा है, उनकी जो प्रतिभा है वो तो रहेगी ही रहेगी, इसीलिए तो उसका एक प्रभाव है। अभी यहाँ पर रहता है तो क्या फल देता है, एक्चुअली हर घर में सूर्य का अलग अलग गुण स्वभाव है। तीसरे घर का स्वभाव है हक को जाने नहीं देना, हक को छीन कर लेना। यदि ऐसा व्यक्ति का कोई हक मारता भी है ना तो वो उसको हजम नहीं होगा। यानी ऐसा सूर्य का ही ये प्रभाव है कि वो उसके तेज से, उसके बल से, उसके पावर से उस व्यक्ति का हक उस तक आ जाएगा। जैसे लोग कई बार मेहनत करते हैं और उनका फल नहीं मिलता, भूल जाते हैं जाने दो, लेकिन ऐसा व्यक्ति तीसरे स्थान में सूर्य वाला कभी नहीं जाने देगा, या तो ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं करेगा, ऐसी जगह में कोई को काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो काम करेगा तो फिर अपना हक लेके ही मानेगा। जी तो बिल्कुल पंडित जी ने जैसे बताया कि अगर वो व्यक्ति अपना काम करेगा तो अपना हक लेके ही मानेगा। तो राशियों की बात करते, ग्रहों की बात करते हैं, लगन की बात करते हैं, तो राशि ग्रह के हिसाब से सब व्यक्ति पे उन चीजों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है कि आपकी कुंडली में कौन सी चीज कौन से स्थान पर है, उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज सूर्य की, और सूर्य में हमने पहले दूसरे और तीसरे भाव की तो बात तो कर ली, अब आते हैं हम चौथे में। चौथा घर कौन सा होता है, और अगर उसमें सूर्य होता है तो क्या कुछ होता है पंडित जी? और इसी बीच पंडित जी, हमारे साथ छिंदवाड़ा से एक कॉलर साक्षी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, आप हमें सुन पा रही हैं? पंडित जी, हमको पंडित जी पूछना है जी कि वो भूमि पूजन का मुहूर्त कौन सा होता है? भूमि पूजन का मुहूर्त बहुत, ये तो आपको क्षेत्रीय पंडित जी से पंचांग के अकॉर्डिंग ही पूछना चाहिए, और आपकी राशि क्या है, आप किसके नाम मकान है, किसके नाम भूमि है, उसके अकॉर्डिंग मुहूर्त निकलता है। और विशेष मैं समझ गया, और उसमें एक और चीज है, तुरंत ये बताना संभव नहीं होगा क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन चाहिए, और साथ में भूमि उस दिन सोई हुई नहीं होना चाहिए। मंगलवार को या रविवार को भूमि में हम फावड़ा नहीं चला सकते हैं, इसके लिए आपको ना अपने क्षेत्रीय पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। हम सामान्य तौर पर आपको बता देंगे होगा, लेकिन अब होता ही है कि आपकी कुंडली क्या है और आपका जिसके नाम जमीन है, वो सब चीजों का अलग अलग कैलकुलेशन है सामान्य तौर पर, तो ऐसा कहा जाना मुश्किल होगा। ठीक है,
तो बिल्कुल छिंदवाड़ा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने सवाल जो है वो पंडित जी से पूछा। पंडित जी वापस से हम अपने विषय पर आते हैं, बात कर रहे थे हम सूर्य की, अब बात कर लेते हैं कि चौथे भाव में अगर सूर्य है तो उसका क्या प्रभाव होता है। लेकिन सबसे पहले चौथा भाव कौन सा? चौथा भाव सामान्य तौर पर सुख का होता है, और साथ में अगर हम देखें तो सूर्य राजा है तो हम चंद्रमा को रानी मानते हैं, और एक तरह से जब एक रानी के घर में सूर्य आ जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कोई घर जवाई बन जाए, तो अगर वह कोई पुरुष स्त्री के घर में आ गया तो वहां पर वह अपना प्रभुत्व नहीं दिखा पाता। सूर्य यहाँ पर क्या होगा, बहुत साइलेंट हो जाएगा, और अब बहुत ज्यादा पराक्रम, ऐसा व्यक्ति जिसके घर में चौथे घर में सूर्य है बहुत ज्यादा पराक्रम को दिखा नहीं पाएगा, प्रूव नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति घरेलू काम में होता है, देखिएगा कुछ पुरुषों का लक्षण होता है विशेष करके कि वह घर के काम में ज्यादा रुचि लेते हैं या उनको घर के काम की जवाबदारी ज्यादा आती है, तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति घर के काम में रह करके, घरेलू कार्य में रह करके, घर से ही उद्यम व्यापार करके अपने आप को एक सीमित फल में ही संतोष कर लेता है, वो बहुत ज्यादा दुनियादारी से उसको लेना देना नहीं रहता है। सूर्य इस तरह फल देता है। इन सभी में दर्शकों को मैं बता दूं, ये हम सामान्य भी भाव की बात कर रहे हैं, इन्हीं में फिर अलग अलग राशि अलग अलग ग्रहों की दृष्टि, वो एक बड़ा विस्तार है, इसीलिए हमने विषय दिया है सामान्य तौर पर सूर्य ऐसा होगा। आप अपनी कुंडली में भी देखें कि चौथे घर में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति माँ के बहुत करीब होता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि ये अपने माँ की ही ज्यादा सुनते हैं, विशेषकर नए कपल हमारी तो सुनते नहीं है, तो उसका कारण होता है कि उनके माँ के स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सुख के स्थान में सूर्य विराजमान है, तब दर्शक के ऊपर सॉरी जातक के ऊपर में यह प्रभाव सूर्य का पड़ता है, और वैसा व्यक्ति बहुत संतोषी होता है, बहुत ज्यादा लोभी लालची या महत्वाकांक्षी नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो लोभी नहीं होता है, महत्वाकांक्षी नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। तो चार भाव के बारे में पंडित जी हमने बात की और आपने बताया भी, अब लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्हीं चारों भावों की, अगर हम बात करें और उनमें अगर सूर्य का स्थान है, सूर्य वो है, तो ऐसे व्यक्ति का बातचीत व्यवहार कैसा होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे पास एक और कॉलर उमा शंकर हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। उमा शंकर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी उमा शंकर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी। किनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका नाम, उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान और समय? मैं अपने ही बारे में जानना चाहता हूँ मैम। उमा शंकर माची, मेरा जन्म तारीख है 13/11/1972, ग्राम माची डोंगरी, समय है सुबह 4:15। जी क्या कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा क्या है, मैं कॉन्ट्रेक्टर का काम करता हूँ, लेकिन मेरा राशि में पता नहीं क्या है, हर समय अड़चनी आ रहा है, पेमेंट के लिए अड़चन आ रहा है, और कहीं काम में भी अड़चन आ रहा है, कहीं मेरा काम हो नहीं पा रहा है। जी मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। जी मैं समझ गया हूँ, और आपकी पत्रिका से भी ये चीज हमें समझ में आ रही है। लग्न में ही आप शुक्र बैठे हुए हैं, कन्या राशि के नीच के हैं एक तरह से देखा जाए तो आपको लोग दबाएंगे, आपका हक बहुत दबाएंगे, आपसे कार्य करवा लेंगे, आपको रिटर्न नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, और विशेष करके जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की है वहां पर तो आपके लिए और मुश्किल होगा। जो आप कमाएंगे उतना आपको घूस देने में ही लग जाएगा, इसके बाद भी आपका काम नहीं होगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप कॉन्ट्रैक्ट का काम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना लें। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कार्य लेता है तो आप उसके अंदर में एज ए पेमेंट बेस में या परसेंटेज बेस में आप काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। और विशेष करके ये ध्यान रखें कि यदि कोई भी व्यक्ति आप पर दबाव ले तो फिर आप पुलिस के पास जाने से भी ना झिझकें, क्योंकि आपका अधिकार है। कई बार आपको लोग ब्लैकमेल करेंगे, विशेष करके ऑफिशियल क्षेत्र में जिससे आपका कांटेक्ट जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल दोष बनता है, इसकी आप शांति करा लें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और गाय को नित्य एक रोटी और थोड़ा गुड़ रखकर खिलाएं 40 दिन तक, इससे आपको काफी समाधान मिलेगा।
तो बिल्कुल, तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम लगातार जो है वो नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। और इसी बीच छिंदवाड़ा से ललिता हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है। ललिता, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी ललिता, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ललिता, हम सुन पा रहे हैं कि आपके यहाँ शायद टीवी चल रही है, उस टीवी की आवाज आप कम कर लीजिए ताकि आपके और हमारे बीच में बात जो है वो स्पष्ट तरीके से हो सके। हाँ, मेरी पुत्री के विषय में पूछना है। जी, आपकी पुत्री का नाम? चांदनी जुनेजा। हाँ हाँ, मेरी पुत्र, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ? हाँ, उसका बर्थ 1 जनवरी 1996 है। जी, समय? समय 2:30 बजे। स्थान? दो जन्म स्थान? स्थान परासिया। नहीं, 2:30 बजे सुबह या शाम का? दोपहर, दोपहर। ओके, और 1 जनवरी है या 8 जनवरी? 1 जनवरी। जी जी, क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? उसका विवाह कब होगा? जी, और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी, इनके विवाह का समय एकदम बढ़िया चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा इनका विवाह होगा। फरवरी 2025 के पहले संभावना ज्यादा बनती है कि विवाह होगा। और वैवाहिक जीवन को लेकर के आपने जो प्रश्न किया, और वैवाहिक जीवन एक बार तो इनका हो सकता है, कहीं रिश्ता बात चल के टूट जाए और फिर इसके बाद विवाह हो। और इनकी कुंडली में विवाह स्थान में सूर्य है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इनका एक कल्याण विवाह पूजा होती है, भगवान से पहले हम विवाह ऐसा करते हैं, उनका उत्सव मना के, ताकि विवाहिक दोष ना रहे। तो सूर्य जिनकी कुंडली में होता है पति या पत्नी के स्थान में परस्पर, तो थोड़ा सा बाधा जरूर आती है, इसको आप ठीक करके विवाह करें, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा और विवाह भी इनका फरवरी तक होने की संभावना है। मेरी अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल, छिंदवाड़ा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई थी, लगातार हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप भी पंडित जी से अपनी समस्याओं के समाधान लेना चाहते हैं तो टीवी नंबर पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप पंडित जी से अपने सवाल कर सकते हैं। तो पंडित जी, हम वापस से आते हैं जहां हमने हमारी बात अधूरी छोड़ी थी। हम बात कर रहे थे कि सूर्य अगर इन चारों भाव में होता है तो उस व्यक्ति के बात विचार व्यवहार विचार थिंकिंग में कितना कुछ जो है वो बदलाव देखने को मिलता है। जी, जैसा हमने कहा कि दूसरे स्थान में यदि सूर्य है तो व्यक्ति बेबाकी से अपनी बात रखता है और वो ये नहीं सोचता है कि सामने वाला हमें हमारी बात अच्छा मानेगा या बुरा मानेगा। ये सूर्य वहां रहने से व्यक्ति को ये प्रभाव देता है, यानी वाणी को लेकर के बड़ा प्रभावी करता है। अगर वहीं पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर सूर्य में पड़ती हो तब ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा और ज्यादा कड़क बोल देता है या रूडली बोल देता है। बट अगर वहीं शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में वाक सिद्धि हो जाती है, वो व्यक्ति कुछ कह देता है तो उसकी बात हो जाती है। इसी प्रकार से हो गया, जब तीसरे घर में सूर्य अगर चला जाए तो सूर्य तीसरे घर में रहने से व्यक्ति बात व्यवहार में, वार्तालाप में, वाणी के आदान प्रदान में बड़ा व्यवहार कुशल होता है और ऐसे व्यक्ति का बड़े प्रभावी लोगों से अपने बात के दम पर व्यवहार बना लेता है। और चाहे वह स्वयं कमजोर हो लेकिन उसके इर्द गिर्द बड़े मजबूत रिलेशंस होते हैं, अपने आसपास के लोगों से अच्छा संबंध रखता है। ये विशेषता है सूर्य की। तीसरे घर में जिन जातकों की कुंडली में सूर्य है वो पाएंगे कि उनको अच्छे अच्छे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, संपन्न लोगों का साथ मिलता है और ज्यादातर व्यवहार बिगड़ने नहीं देता है, ये एक विशेषता है। तो सूर्य जहां पर भी रहता है, पहले स्थान में है, हमने बताया कि सूर्य व्यक्ति में एटीट्यूड रखता है, यानी ये गलत है, बट अगर एटीट्यूड ना रखे तो ऐसा व्यक्ति पावरफुल रहता है। और इसी में यदि पांचवें घर का सूर्य की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, सिंह राशि का अगर स्वामी सूर्य लग्न में हो तो आप समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति दूसरे का उपकार बहुत करता है, फिर वही लग्न का सूर्य परोपकारी बना देता है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने पर काफी दूसरे का कल्याणकारी कर्म करता है, तो ऐसा भी अधिकारी वो बन जाता है। इसलिए लग्न का सूर्य व्यक्ति को प्रभावी अच्छे पद में प्रतिष्ठित करता है,
दूसरे घर का विभाग वाणी से अपनी राय रखता है, तीसरे घर का स्वामी और संपन्नता भी दूसरे घर का बनाता है, काफी धनी तीसरे घर का जो स्वामी है वो व्यक्ति से बात व्यवहार वार्तालाप आदान प्रदान इन सब चीजों को बहुत अच्छे से रखता है, और लेकिन साइलेंट होता है और अपना हक हर हाल में छीन लेता है, कभी हार नहीं मानता। चौथे घर का स्वामी अंतर्मुखी होता है, सूर्य चौथे घर में होने से ऐसा व्यक्ति ज्यादा नहीं सोचता है, थोड़े में ही समाधान कर लेता है और ज्यादातर वह घरेलू कार्यों में अपनी रुचि रखता है, ज्यादा दूर का नहीं सोचता है। जैसे बहुत लोग कैरियर के लिए दूर चले जाएंगे, ऐसा व्यक्ति सोचेगा मेरा मेरे गांव घर शहर में हो तो वह अपने आप को काफी रिच फील करता है। जी ये आज का जो विषय था हमारा, उस विषय पर हमने पंडित जी के साथ विस्तृत से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सूर्य अगर इन चार भावों में रहता है तो हर एक भाव में उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। और वक्त हो चला है पंडित जी राशिफल का, जान लेते हैं क्या कुछ कहती है आज की राशियां, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी मेष राशि के जातकों के लिए यदि आप जॉब में हैं तो आज आपको पदोन्नति का योग बन रहा है, या आप सरकारी में हो या प्राइवेट में तो आपको प्रमोशन मिलेगा, बहुत अच्छा है। बिजनेस करते हैं तो विशेष लाभ का दिन है। वृषभ राशि के जातकों के लिए है, आपको कुछ जनसंपर्क बढ़ा करके कार्य करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी प्रतिभा और प्रमाणित होगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए है, आज आप अतिथि के स्वागत के लिए तैयार रहें। दूर से हो सकता है कि आपका कोई बहुत पुराना साथी मित्र बंधु अतिथि आ जाए जो बहुत सुखद है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन है, आज आप अपने क्रोध में नियंत्रण रखें, कई बार बहुत अग्रेसिव होते हैं। क्रोध करने वाले व्यक्ति को गुड़ खाकर पानी अवश्य पीना चाहिए, तभी आप अपने दिन का लाभ ले पाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज आध्यात्मिक वातावरण में आपकी दिनचर्या व्यस्त रहेगी, सुबह से ही आध्यात्मिक माहौल घर का बनेगा या अपने आसपास बनेगा जो काफी अच्छा है, और आपकी सहभागिता बहुत अच्छी है, हो सकता है अखंड रामायण में आप भागे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज आप नर्वस अनुभव कर सकते हैं, शिथिल अनुभव कर सकते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है कि ज्यादा ऊर्जा नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद ठीक होगा, ईश्वर का धन्यवाद करें। तुला राशि के जातकों के लिए है कि आज आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, जो कार्य आप पोस्टपोन फील कर रहे थे रुका हुआ वो अच्छा संपन्न होगा, उसमें सफलता मिलेगी और एक बड़ा बोझ सर से उतर जाएगा, यह सुकून अनुभव करेंगे आप। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है, बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं आप कहीं बाहर जाने के लिए, लेकिन सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, विशेष करके सीजन के अकॉर्डिंग। धनुराशि के स्वामी जातक हैं, आज अपने लोग कुछ ज्यादा उम्मीद आपसे करेंगे, और नेचुरल है कि जब व्यक्ति अपनों से ही उम्मीद करता है, आप जितना भरसक होंगे सकेगा उनको आप निराश नहीं करेंगे, मार्गदर्शन करें बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए है, आज आपको दूर से कोई मदद कर सकता है और नाम भी हो सकता है ना बताए, और जो शुभचिंतक होते हैं यह उनकी एक तरह से अपने आप को प्रूव्ड करने का बेहतर जरिया है, उनका मन ही मन धन्यवाद करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए है, बेवजह की बातों में चर्चा ना करें, विवाद की स्थिति बन जाती है, कई बार हम अनावश्यक बातों में उलझ करके और वाद विवाद कर लेते हैं, तो सतर्क रहना चाहिए, यही आपके लिए विशेष है आज के दिन। मीन राशि के दर्शकों के लिए जातकों के लिए है, आज का दिन आपके मेहनत के फल प्राप्ति का दिन है, आपने जो भी मेहनत पीछे किया है उसका भी फल मिलेगा, या और भी तरीके से आपको कहीं न कहीं से विशेष फल की प्राप्ति होगी, और अपने इष्ट की आराधना आप अवश्य करें। जी तो ये थे आज के सभी राशियों का हाल, तो आज का दिन कैसा बीतेगा, आज आपके राशिफल में क्या कुछ खास है, सब पर पंडित आचार्य कमलेश मिश्र जी ने जानकारी दी। पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आगे मिलते हैं INH Express के साथ।